हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो यार आज की इस अली वीडियो में हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं GTA 5। अब यार अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको याद ही होगा कि भाई लास्ट एपिसोड में कैसे माइकल ने अपनी ट्रेसी जो उसकी बेटी है उसको बचाया था उसके दोस्तों से, मतलब उसके दोस्त जो है थोड़े गंदे थे तो उससे माइकल ने बचाया था अपनी बेटी को। लेकिन भाई उसकी बेटी को कोई कदर ही नहीं है माइकल की, मतलब ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था लास्ट एपिसोड में। लेकिन आप चाहो तो फिर भी वो एपिसोड जो है देख सकते हो, मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी वो एपिसोड चाहो तो देख लेना। बाकी यार आज के चले एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले पहले ना भाई मेरे पे ना फ्रैंकलिन का कॉल आया था। एंड मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। भाई मेरे पे फ्रैंकलिन का कॉल आया था एंड भाई वो बंदा कह रहा था कि भाई अभी अभी उसे कोई खबर मिली है कि यहाँ पे लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे ना एक बंदा जो है कोई माफिया वाफिया है, उसने अपनी जी वैगन जो है वो इम्पोर्ट करवा रहा है। भाई मतलब जी वैगन इम्पोर्ट मेरे हिसाब से हो चुकी है एंड वो अपनी डिलीवरी लेने जा रहा है। एंड भाई जी वैगन ना मेरे हिसाब से यहाँ पे मिलना ना बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ पे लॉस सैंटोस में मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस बंदे ने जो है ना बाहर वाले किसी देश से जो है इम्पोर्ट करवाई है अपने लॉस सैंटोस में। एंड भाई मेरे को फ्रैंकलिन ने बोला है कि भाई यही अच्छा मौका है, तुम चाहो तो गाड़ी चुरा लेना, ठीक है, इससे बढ़िया कोई अच्छा मौका हो नहीं सकता। क्योंकि भाई जी वैगन कितनी ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी है भाई, माफिया टाइप गाड़ी है भाई जी वैगन। भाई मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं कितनी तगड़ी फील आती है भाई जी वैगन को राइड करते हुए। तो भाई अपना माइकल ने भी अपना पूरा मन बना लिया है कि आज तो मैं जी वैगन को चुरा के लाऊंगा। बाकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता एयरपोर्ट में कहाँ पे, बस इतना पता है एयरपोर्ट में अभी डिलीवरी आ चुकी है जी वैगन की एंड वो जो बंदा है माफिया वो भी थोड़े टाइम में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से जो है ना फ्रैंकलिन को कॉल मिला देता हूँ एंड उसे बोल देता हूँ भाई तू भी आ जा, साथ ही चलते हैं भाई, मैं उसे साथ ही लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे जो है मैं फ्रैंकलिन को कॉल मिला के जल्दी से अपने साथ बुला लेता हूँ। ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो है मैंने फ्रैंकलिन को फ़ोन करके बोल दिया एंड वो कह रहा है भाई मैं तुम्हारे यहीं पर ही घर के पास हूँ तो तुम जल्दी से बाहर आ जाओ अपने घर के, मैं भी बस आने वाला हूँ। तो अभी जल्दी से थोड़ी देर जो है ना मैं उसका वेट करता हूँ एंड मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन ही आ रहा होगा। तो भैया हाँ मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन ही है एंड इसने यहाँ पे जाके अब मेरे हिसाब से गाड़ी रोक ले गए। हाँ ये फ्रैंकलिन ही था। बाकी अभी जल्दी से मैं बोल लेता हूँ कि भैया तू मेरी गाड़ी में आ जा क्योंकि मेरे को इस पे भरोसा नहीं है यार। भाई ये जैसे गाड़ी चलाते ना उसका सबूत तो आपने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया होगा, बाकी इस बंदे ने गाड़ी साइड कर दिया। अभी जल्दी से मैं इसे बोलता हूँ भाई तू मेरे साथ आ जा। बाकी यार फ्रैंकलिन को मैंने बाहर तो निकलवा लिया गाड़ी से एंड भाई आज इतना सही क्यों बन के आया हुआ है भाई, आज कैसे इतना चमत्कार कैसे हो गया मेरे भैया, आज ये बिना बनियान उसके आया भाई शॉर्ट्स के, भाई आज इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया भैया। ना गाइस यार आप जब भी इसे देखोगे ना ये हमेशा पत्नी वही एक सेम कपड़े में रहता है, पत्नी बंदा नहाता है या नहीं नहाता वो मेरे को नहीं पता, पर भाई हमेशा एक ही सेम कपड़े में ये बंदा जो है ना रहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी जो है मैं इसे अभी जल्दी से अपने घर में ले चलता हूँ एंड फटाफट से जो है ना हम गाड़ी में बैठ के जो लोकेशन पर चलते हैं। एंड लोकेशन इसने मेरे को पहले बता दी थी तो हमें ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। आ जा भाई फ्रैंकलिन यार जल्दी से आ जा एंड जा रहा हूँ, दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि भाई इसने लोकेशन जो है मेरे को अभी अभी दो मिनट पहले बताई थी जब ये गाड़ी से उतर रहा था, तो मैं भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ भाई। तो लोकेशन जो है ना यहाँ के एयरपोर्ट की है, तो हमें पहले तो भाई यहाँ से एंट्री लेनी है एयरपोर्ट में, ठीक है, एयरपोर्ट की लोकेशन है एंड हमें यहाँ से एंट्री लेनी है। देखो यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके उसके बाद लेफ्ट राइट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कहीं भी हो सकते हैं, तो अभी जल्दी से चलना पड़ेगा। एंड भाई चाहे कुछ भी हो जाए भाई आज मेरे को वो जी वैगन जो है ना कुछ भी करके चाहिए भाई, वो जी वैगन कितनी ही तगड़ी लगती है यार कसम से। बाकी आई होप यार वो बंदा ना आया हो, मतलब जिसकी गाड़ी अगर वो बंदा ले गया ना जी वैगन तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर वो बंदा नहीं आया होगा ना गाइस तो अपना सही रह जाएगा सीन, पता कैसे, अगर वो बंदे ही नहीं आएगा, अगर उसके मतलब फ्रैंकलिन ने एक और बात बताई थी कि भाई जो वो जो सिक्योरिटी गार्ड उसके खड़े हुए हैं ना वहाँ पे वो तो अभी भी वहीं पर ही है लेकिन वो बंदा वहाँ पे नहीं है। तो अगर वो बंदा ना हुआ ना तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं ऐसे ही फेल दूंगा। मेरे को दिक्कत है तो उस बंदे से क्योंकि भैया जैसे कि फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि भाई वो जो बंदा है ना वो एक माफिया है, ठीक है, एंड वो अगर एक माफिया है एंड हम उसकी जी वैगन चुराने जा रहे हैं तो भैया पक्का वो कुछ ना कुछ हमारे से गलत भी कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना हम छुपा के काम कर सके ना उतना ज़्यादा सही है। लेकिन भाई मेरा तो जी वैगन सुनते ही भैया मेरा तो दिल बहल गया भाई, कसम से बोल रहा हूँ मैं दिल फिसल गया, मतलब जो भी कहते हो उसे यार मेरे को इतनी अच्छी वो नहीं आता, ठीक है, राइम बनाना या जो भी आप समझ जाओ, मेरे को भाई दिल आ गया जी वैगन का नाम सुनते ही कसम से बोल रहा हूँ। एंड भाई मैंने बोल दिया भैया चाहे माफिया हो या कुछ भी हो भाई जी वैगन तो हम लेके रहेंगे क्योंकि भाई और वो भी जी वैगन भी एकदम ब्लैक कलर में, भाई सोचो ऑल ब्लैक, भाई क्या ही तगड़ी लगने वाली है। लेकिन अभी जल्दी से बिना बातें करें तो मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन आप मतलब बातें करते करते फटाफट से चलिए एयरपोर्ट पे एंड आई होप जो है भाई वहाँ पे उसका माफिया ना आ रहा हो भाई, क्योंकि अगर माफिया आ गया होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। एंड भाई फ्रैंकलिन चिंता मत कर,
मैं तुझसे तो अच्छी गाड़ियाँ चला रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे को तो बोल मत तू ऐसे। हाँ भले थोड़ा बहुत ठोकर हो, तो वो छोटी मोटी ठोकर तो चलती रहती है। बाकी कहीं ज़्यादा भी जल्दी से चलती है। फ्रैंकलिन भी सोच रहा होगा भाई क्या ही बंदा है, खुद ठोकता रहता है, मेरे को बोलता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी जो है हम यहाँ पे तो आ चुके हैं। कहाँ पे भैया? एयरपोर्ट तो मेरे को दिख नहीं रहा दूर दूर तक, देखना पड़ेगा। हाँ शायद वहाँ पे लेफ्ट में एयरपोर्ट, तो अभी जो है ना जल्दी से हमें जाना पड़ेगा। एंड भाई जी वैगन अगर चली जाएगी ना भाई मेरे हाथ से, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मैं उस बंदे की लोकेशन निकलवा के उसके घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जी वैगन निकलवा के आऊँगा भाई भाई, क्योंकि वो जो है ना, मैं सोचो अब जो जी वैगन अब मैं जो इस वाले एपिसोड में चुराने वाला हूँ ना, या फिर चुरेगी या नहीं चुरेगी मेरे को नहीं पता, बट अगर चुर गई ना तो भाई वो जो जी वैगन है मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखूँगा। एक तरह से माइकल की जो है पर्सनल व्हीकल हम बना लेंगे। बाकी काम करते हैं, हमें नीचे से जाना है क्योंकि एयरपोर्ट जो है आई थिंक नीचे ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेना है मे बी हमारे को, एंड लेफ्ट लेके एयरपोर्ट हमें ढूंढना पड़ेगा यार, यहीं भी आसपास में। वैसे मेरे को दिख तो रहा है लेफ्ट में, बट एंट्री वहाँ से नहीं है भाई, एंट्री नहीं है वहाँ से। एंट्री आई थिंक यहाँ से है मेरे भैया, हाँ ये रही एंट्री। तो एंट्री अपनी यहाँ से है। एंड भाई साहब पुलिस वाले यहीं पर घूम रहे हैं भाई, उन्होंने अगर हमारी शक्ल पहचान ली ना कि भाई सिमियोन को हमने ही मारा था, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक काम करते हैं, इस पहले इन पुलिस वालों को जान देते हैं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कुछ भी सीन हो भाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, इन पुलिस वालों को जान देते हैं आराम से। ओके सो गाइस, मेरे हिसाब से जो है पुलिस वाले जो है ना इतना दूर जा चुके हैं कि अगर मैं कुछ हरकत करूँ तो उन्हें पता ना चलेगा, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, आराम आराम से चलते हैं। एंड अब चलते हैं एयरपोर्ट में, ये एयरपोर्ट के एंट्रेंस ही है बाय द वे गाड़ियों के लिए। बाकी यहाँ पे जो हम आराम से तमीज से खोल लेते गेट, बोल लेते भैया क्या कह रहा है भाई ये बंदा, रुक जो गाइस मैं इससे बात करके आता हूँ, ठीक है? एक भाई गाइस इससे बात करके आता है, क्या सीन है। सो गाइस यार मेरी इससे बात हो चुकी है, एंड भाई ये बंदा कह रहा है तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भाई ये गाड़ी, ये जो जगह है ना ये गाड़ियों के लिए नहीं है, ऐसे एक बंदा ये कुछ कह रहा है। लेकिन भाई इसे पता नहीं है इसने किसको मना कर रहा, शांति से बोलो लास्ट बारी खोल ले वरना इसको पीछे से टपकाना पड़ेगा। ले तेरी ऐसी तैसी, हमार को मना करेगा यहाँ पे, हमार को मना करेगा, निकल जाए यहाँ से। बाकी भाई इसे पिस्टल निकाल ली, जल्दी से मारना पड़ेगा यार। इसने पिस्टल निकाल ली एंड इसकी पिस्टल जो हमें मिल चुकी है, नाइस। चल आ जा फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन कह रहा है इतनी छोटी मोटी लड़ाइयों में मैं नहीं पड़ता, मैं सीधा मारता हूँ बड़े बंदे, ठीक है? जैसे माफिया वगैरह होगा। बाकी इसकी बॉडी जो है वो कोई देख ना ले यार, मेरे को बस इस बात का डर है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा लेट्स सी, देखते हैं जो भी सीन रहता है। ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो हम एयरपोर्ट के अंदर तो एंटर हो चुके हैं, एंड भाई अब हमें जो है ना यहाँ पे थोड़ा ढूंढना वगैरह पड़ेगा कि बाकी आखिरकार हमारी जो जी वैगन है, हमारी नहीं बेसिकली वो जो उस माफिया की जी वैगन है वो कहाँ पर है। तो यार यहाँ पे तो मेरे को दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा, एंड वेयर हाउस वहाँ पे भी वेयर हाउस में ऐसे हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है वहाँ पे होगा। लेकिन अभी वहाँ पे भी जाके देख लेंगे। एंड यहाँ पे देखो भाई एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी लैंड कर रहा है, एंड अगर यहाँ के इन बंदों से मैं पता कर लूँ तो यार नहीं, पर इन्हें शक हो गया ना तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। अगर इन्हें गलती से भी शक हो गया कि भाई ये जी वैगन की लोकेशन क्यों पूछा, क्योंकि ये यहाँ के वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली बात है इन्हें तो पता ही होगा कि कहाँ पे है। एंड हमें कहीं एंट्री वहाँ से तो नहीं लेनी थी, कहीं पता चले वो अंदा इसलिए मना कर रहा था इन काम का, वो पिल गया बेचारा। एंड भाई जी वैगन जो है मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रही, एंड पता नहीं कब, ओ भाई साहब मेरे को दिख चुकी है भाई, देखो राइट में, देखो भाई राइट में, देखो मेरे को दिख चुकी है। एंड अभी गए सको एक बार ना मेरे को और फ्रैंकलिन को जो है एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा भाई, वो वही जी वैगन है मेरे हिसाब से, तो भैया मेरे हिसाब से तो वो वही जी वैगन है भाई। एक बार मैं फ़ोन में खोल के एक बार कैमरे से देखता हूँ भाई, भाई वो मेरे को दिख तो गई है जी वैगन ही है भाई। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड देखो चार चार खड़े हुए भाई प्रोटेक्शन के लिए, भाई यहाँ पे देखो चार चार सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। एंड भाई जी वैगन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई, कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई कसम से। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना पहले कोशिश करता हूँ कि इनसे प्यार से बात करूँ, एंड अगर ये ना माने ना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन भी जो है लड़ाई के लिए रेडी हो चुका है, एक काम करते हैं चली लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आ जा भाई फ्रैंकलिन, आ जा भाई। बाकी अभी एक काम करते हैं फटाफट से जो है चलते हैं, एंड एक बार इनसे बात करके आते हैं। एंड एक बार ना इसे नॉर्मली पूछेंगे हम कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, मतलब अगर ये नॉर्मली अगर मान जाते हैं कि भाई हमें गाड़ी दे दो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये मानेंगे नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पता है, बिल्कुल ही पता है मेरे को, ये बिल्कुल नहीं मानने वाले। बाकी अपना फ्रैंकलिन आता रहेगा, जब तक फ्रैंकलिन नहीं आएगा ना भाई मैं जब तक लड़ाई शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही गलती करी थी। एंड जी वैगन कितनी प्यारी लग रही है भाई,
इतनी ज़्यादा है। वो देखो उस नमूने को देखो, वहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो अपना आ जाएगा। एंड ओए इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ओ भाई साहब, इन्होंने मारना शुरू कर दिया, बाकी फ्रैंकलिन भी मार रहा है। एंड फ्रैंकलिन ने दो बंदे मार दिए, मैं इसे मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। भाई साहब इन्होंने मारना शुरू कर दिया एक बारी में, कितने भाई, मैं तो नॉर्मल बात करने आ रहा था भाई फ्रैंकलिन, देखा है। बाकी अभी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पक्का माफिया को तो इन्होंने इन्फॉर्म कर ही दिया होगा, इनकी बंदूकें वगैरह उठा लेते, वो तो अच्छी बात है। भाई फ्रैंकलिन ने पीछे से मार दिया, फ्रैंकलिन को देख के इन्हें फालतू में गुस्सा आ गया भाई, इन्हें फालतू में गुस्सा आ गया भाई फ्रैंकलिन को देख के। बाकी जल्दी से बोल तो गाड़ी में आ जा भाई। बाकी यार अपना फ्रैंकलिन भी जो है गाड़ी में आके बैठ चुका है भाई, मतलब देख रहे हो कितने गंदे लोग हैं भाई ये, हम नॉर्मली बात करने गए थे भाई, पर गंदे लोग क्या यार, ये तो अपना काम ही कर रहे थे, क्योंकि भाई इनके सामने हम बंदूक लेके गया। एंड भाई ये अगर हम, ये देखो फ्रैंकलिन तो अभी भी मारने के लिए रेडी है भाई, लेकिन गंदे लोग के ये तो क्या ही बात है भाई, क्योंकि ना यार हम ये अपना काम ही कर रहे थे, क्योंकि भाई देखो अगर सीधी सी बात है भाई, अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाए ऐसे बंदूकें लेके, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तो भाई तुम्हारा काम तो यही करता है ना कि भाई तुम उसे मार दो, मतलब मारो नहीं, मतलब अगर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। बाकी अब हमें यहाँ से जो है निकलना पड़ेगा, एंड लेट्स सी देखते हैं क्या सीन रहता है। एंड भाई अब बस ये वर्कर्स वगैरह ना बता दे, एक काम करते हैं इन वर्कर्स वगैरह की भी ऐसी तैसी कर देते हैं हम, आ जा भाई फ्रैंकलिन, एक काम करते हैं भाई इन वर्कर्स वगैरह को भी पेल देते हैं। एंड इन्हें जो है ना मैं अपना गन से नहीं पेलने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहता भाई बिल्कुल भी। अबे भाई ये फ्रैंकलिन पागल है क्या भाई, इसने गन पेल दिया उसकी भैंस का डंडा भाई, एक सेकंड रुको, इसने इसकी ऐसी तैसी, अब ये मरा तेरी, निकल यहाँ से निकल। अबे भाई ये भाई इसने हमारी गाड़ी ऐसी तैसी कर दी, इसने अपनी गाड़ी के, भाई अब ये मरा भाई, वैसे तो मर ही चुका है लेकिन अब ये और मरेगा, तेरी भैंस का डंडा, निकल यहाँ से अब फालतू में भाई अपने आप, भाई फालतू में यार अब हमें यार गाड़ी पे और खर्चा करना पड़ेगा। एंड लगी तो नहीं ना भाई जी वैगन को, भाई वैसे लगी नहीं है भाई, देखो कितनी गंदी चोट, मतलब कैसे वो घसीट के लेके गया था ट्रक से, लेकिन फिर भी देखो बिल्कुल भी, मैं आपको FPP में करके दिखाता हूँ भाई, बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है भाई, बिल्कुल भी भाई ज़्यादा क्या लगी ही नहीं भाई। देख भाई गाड़ी बहुत प्यारी है भाई, कसम से बोलो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। बाकी अभी जो है ना एक काम करते हैं, हम जो अपना कहते हैं अपना वो चेंज कर लेते कैमरा, एंड जल्दी से बैठ जाए भाई फ्रैंकलिन, और एंड अभी सीधा चलते हैं भाई, इससे पहले वो माफिया आ जाए भाई, जल्दी बैठ जाए यार, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी सीन हो, इसलिए जल्दी से चलते हैं। एंड यहाँ पे आसपास जो अपनी एग्जिट थी आपकी बार, वहीं से चलते हैं। एंड लेट्स सी कि अब वो बंदा जो गेट खोलता है नहीं खोलता, अब अगर उसने ना खोला तो भाई फ्रैंकलिन जो चटका देगा, क्योंकि फ्रैंकलिन पे अभी पहले ही गुस्सा आ रहा है। एंड बाकी यहाँ पे जो है गेट खोल दो, वो भाई ब्रेक कितनी ज़्यादा सही थी यार कसम से, बाकी गेट खोल भाई कोई है ही नहीं, वाओ तो हमें गेट ऐसे तोड़ के जाना पड़ेगा। बाकी भाई सीन तो, ओ भाई अभी हो जाता सीन भाई, ये पुलिस वाले ना भाई साहब, अभी ये पुलिस वाले अगर देख लेते ना भाई, काम हो जाता कि हमने वहाँ से भाई ये हमारे चलान कर देते भाई, अगर ये देख लेते ना हम वहाँ से निकाल के आए हैं अपनी जी वैगन को। लेकिन भाई साहब जी वैगन कितनी प्यारी लग रही है भाई, कितनी ज़्यादा प्यारी भाई, भाई मेरे को तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरे तो भाई तारीफ करना नहीं बंद हो रहा है इसका, कसम से बोल रहा हूँ। बाकी गाइस यार अभी एक काम करते हैं, जल्दी से एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से ना इसे लेके जाता हूँ अपने घर पे। एंड भाई अभी जी वैगन तो मेरी हो ही चुकी है, तो बाकी अपने घर पे जाते हैं। एंड बीच रास्ते में जो है ना अपना फ्रैंकलिन से भी बातें बातें करते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि ये भी बंदा, भाई ये बंदा अगर ना आता ना तो थोड़ी मुश्किल होती, क्योंकि दो बंदे इसने टपकाए थे वहाँ पे, एंड दो बंदे जो है मैंने टपकाए थे, ठीक है। एंड अभी अगर ये बंदा मेरे को अगर हल्की सी मेरी जी वैगन पे ठोकर मार देता ना भाई, जिंदा ना बचता, ये कसम से बोल रहा हूँ। बाकी ब्लैक जी वैगन क्या तगड़ी नहीं लग रही भाई, कसम से सच बोल रहा हूँ भाई, क्या ही तगड़ी लग रही है। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं एंड लेट्स सी की क्या रहता है, अभी फटाफट से अपने घर जाते हैं, निकल यहाँ से भाई। हालांकि भाई मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन ठीक है भाई, अब गली बार से मैं जो है ऐसे बेरहम लोगों को नहीं मारूंगा, मतलब बेकसूर लोगों को नहीं मारूंगा, बेरहम तो मैं हो गया ना भाई, मतलब रहम ना करने वाला, ये क्या बोलता हूँ मैं कभी कभी, बाकी बेकसूर लोगों को मैं बिल्कुल नहीं मारने वाला अगली बार। बाकी अभी जल्दी से जो है हम चलते हैं माइकल के घर पे। ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो है ना फ्रैंकलिन कह रहा कि भाई उसे कुछ काम है, तो वो यहीं पर ही उतर गया एंड वो अपने दोस्त के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसे कुछ अपना पर्सनल कुछ काम वाम होगा, तो भाई मैंने उसे यहीं पर ही उतार दिया एंड भाई वो अपना चला जाएगा बाद में। चल भाई फ्रैंकलिन भाई, अब मिलता हूँ मैं तुझसे बाद में। बाकी अभी जल्दी से जो है ना गाइस हम चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि भाई उसे वैसे भी उतार नहीं था, ठीक है, बाकी वो अपना अपना खुद चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
बाकी यार गाइस मेरे को ना फ्रैंकलिन ने जो है ना एक और बात बोली थी, एंड वो उसने कहा था कि भाई तुम जो है ना इस गाड़ी में पक्का से जीपीएस वगैरह लग रखा होगा, क्योंकि माफिया की गाड़ी है और उसे भाई माफिया को तो वगैरह को तो भाई वैसे ही डर वगैरह होता है गाड़ी ना चुर जाए, इसलिए भाई जीपीएस वगैरह लग रखा होगा। तो भाई एक काम करता हूँ फटाफट से जो है ना, मैं काम करता हूँ लॉस सैंटोस की जो अपनी कस्टम जो शॉप होती है ना, फटाफट से अपनी जो गाड़ी है वहाँ पे लेके जाते हैं, एंड फटाफट से अपनी गाड़ी को जो है ना एकदम मैं सही करा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड यहीं पर ही मेरे हिसाब से, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लॉस सैंटोस कस्टम तो यहीं पर ही है, पास में ही है। तो एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ पे चलते हैं, एंड मैं अपनी जी वैगन में से ना ये जो अपना साहब वो है क्या कहते हैं जीपीएस वगैरह अगर कुछ लग रखा है इंस्टॉल हो रखा है तो वो डिलीट करवा दूंगा, एंड अगर नहीं भी हो रखा ना तो भाई अपनी वैसे भी गाड़ी तो टूटी रखी है थोड़ी बहुत, तो वो भी सही करा लेंगे ठीक है। बाकी भाई कितनी ही ज़्यादा प्यारी लुक लग रही है, मैं भी आपको फटाफट से एक काम करते हैं फटाफट से जो है पहले चलते हैं, एंड देन जो है रिपेयर कराने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है भाई। मतलब भाई क्या मतलब इंटीरियर तो अभी हमने देखा ही नहीं ना इसका, ये देखो अभी इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं। भाई साहब भाई कितनी प्यारी भाई, ओके अभी नहीं मेरे को अभी नहीं देखना भाई एकदम, और मैं जब अपग्रेड करा के आऊँगा ना तब और अच्छे से देखूंगा भाई। मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार ये गाड़ी। बाकी हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, एंड बिल्कुल माफिया वाली जो कार होती है ना वैसी लग रही है, एंड अभी जल्दी से जो है मैं अपनी जी वैगन को जो है अंदर ले जाके फटाफट से जो है यार इसे सही करवा के ले आता हूँ। ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी जी वैगन को जो है बिल्कुल एकदम तगड़ा मॉडिफाई करा दिया, एंड भाई यू नो व्हाट इसमें जीपीएस एक्चुअली में था भाई, जो फ्रैंकलिन है ना सही बोल रहा था इसमें जीपीएस था। एंड भाई अब वक्त आ चुका है भाई इसको सही में देखने का, भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई ये जी वैगन यार, वो सही में प्यार हो चुका है इससे भाई कसम से, भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई। देखो आगे इसका मर्सिडीज़ का लोगो, एंड भाई ये देखो आगे मर्सिडीज़ का लोगो छोटा सा बोनट पे, एंड देन यहाँ पे अपने एक और मर्सिडीज़ का लोगो, एंड अगर हम यहाँ से देखें तो अलग भाई लुक जो है ना एकदम तगड़ी आ रही है। एंड यहाँ पे देखो G63 भी लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, हाँ देखो यहाँ पे G63 मर्सिडीज़ का लोगो। एंड भाई अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ठीक है, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो कैसी लग, ये तो यहाँ पे ये देखो भाई अंदर से भाई मतलब देख रहे हो क्या ही तगड़ी लग रही है यार। इंटीरियर देखो, इंटीरियर तो और प्यारा है इसका भाई, इंटीरियर तो और प्यारा है भाई, क्या ही बात करें इंटीरियर के। एंड फीचर भी भाई कसम से बोलो माफिया कार जो होती है ना वो है ये भाई, जो माफिया कार होती है कसम से बोल रहा हूँ वो है भाई ये जी वैगन जो है। बाकी अभी एक काम करते हैं फटाफट से जो है ना माइकल को ना एक काम करता हूँ मैं, थोड़े गैंगस्टर वगैरह वाली लुक देने के लिए इसे कटिंग वगैरह भी करवा लाते हैं, क्योंकि भाई मैं चाहता नहीं जी वैगन में जो है ऐसे माइकल घूमे भाई, मतलब कहीं से लग भी नहीं रहा ये गैंगस्टर, मतलब वैसे तो गैंगस्टर है ठीक है, एंड मतलब वो जो फील नहीं है, फील जो होती है ना वो नहीं आ रही भाई कसम से। एक काम करते हैं एक बड़ी माइकल का जो है ना तगड़ा से हेयर कट करा लाते हैं, एंड भाई अभी अगर ठुक जाती ना ये बंदा जिंदा ना बचता भाई, अभी अगर ठुक जाती ये बंदा जिंदा ना बचता, लेकिन चलो उसकी किस्मत अच्छी थी। एंड अभी यहाँ पे जो हमें यहाँ से राइट लेते ही जो है अपनी जो कटिंग की दुकान है वो आ जाएगी, एंड भाई क्या ही तगड़ी लग रही भाई रात में तो और प्यारी लग रही है भाई जी वैगन, भाई मैं इसकी तारीफ ये करते नहीं रुकूंगा भाई कसम से, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बाकी अपनी जो जी वैगन है अपनी प्यारे तरीके से जो है मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अपना सैलून जो है यहीं पर ही है ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं पार्क कर देता हूँ अपनी जी वैगन को, एंड देन उतर के फटाफट से चलते हैं सैलून में, एंड थोड़ी तगड़ी लुक देंगे अब माइकल को, क्योंकि भाई इसका ये जो बाल है ना इसके थोड़े गंजे टाइप लग रहे हैं, गंजे तो नहीं मतलब पर बहुत कम बाल है इसके, तो बाल भी जो है मैं बढ़ाने वाला हूँ। बाकी अभी फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ, एंड जल्दी से जो है अपना भाई कर लेते हैं हेयर कट इसका ठीक है, अपना हेयर कट तगड़ा सा कराएगा माइकल भाई, हेयर कट में जाते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा बाल किस में है, एक ये है एक ये गंजा तो भाई बिल्कुल नहीं कराना, ये नॉर्मल बाल है ये करा दो भाई, ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है तो ये करा लेते हैं। एंड बीएड्स भी कराऊंगा भाई मैं, बीएड जरूर से कराने वाला हूँ, क्योंकि बीएड तो अलग ही लगती है कसम से, तो बाकी बीएड भी मैं करा ही लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो है बीएड में जाके ये नॉर्मल बीएड, एंड भाई साहब ये अलग ही लग रही है भाई कसम से, फ्री में भी हो रही है बाय द वे भाई, ये बीएड तो अलग एकदम अलग ही लग रही है भाई, ये तो सही में माफिया लुक दे दी माइकल को इसने तो। बाकी भैया बहन जी हमें और कुछ नहीं कराना, आप हमें जाने दीजिए शांति से। एंड भाई साहब क्या ही तगड़ा लग रहा है माइकल भाई, शक्ल देख रहे हो भाई क्या ही पूरा गैंगस्टर लग रहा है भाई कसम से, भाई कितना तगड़ा लग रहा है यार, कितना ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। एंड अपनी जी वैगन भी यहाँ पे खड़ी हुई है भाई कसम से बोल रहा हूँ यार, देखो एक बारी ऐसे नहीं लग रहा भाई एकदम गैंगस्टर और उसकी जी वैगन भाई कसम से। बाकी यार अभी एक काम करते हैं फटाफट से अपनी जी वैगन को जो है मैंने सारी चीज़ें करा ली है, एंड अभी जल्दी से घर लेके जाते हैं, एंड देन पार्क कर देंगे, ताकि भैया मेरी जो जी वैगन है ना वो कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, चोरी तो नहीं होगी मतलब, लेकिन अपने घर में सिक्योर रहेगी एंड सेफ भी हो जाएगी अपनी जो जी वैगन है। एंड अभी फटाफट से लेके जाते हैं,
एंड फटाफट से जो है ना मैं इसे अपने गैराज में पार्क कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड भाई अगला एपिसोड जो है ना भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है, तो यार अगला एपिसोड ना यार जरूर से देखना। मैं आपको अभी स्पॉइल नहीं करने वाला बिल्कुल भी, मैं आप सीधा अगले एपिसोड में देखना क्या ही होने वाला अगला एपिसोड। पहले से मेरे को जो है ना भाई वो जो अगला एपिसोड अब आने वाला है ना वो मेरे को इस वाले एपिसोड में बनाना था, परंतु भाई फ्रैंकलिन का कॉल आके उसने मेरे को जब बताया ना भाई जी वैगन वाला, तो भैया मेरा मन ललचा गया। मैं कहा भैया अब तो जी वैगन के ऊपर ही एपिसोड निकलेगा ये पूरा, ठीक है बाकी आराम आराम से चलाएंगे, क्योंकि यहाँ के लॉस सैंटोस के जो बंदे होते हैं ना भाई इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं होती चलाने की। एंड मेरे से गलती से डब्ल्यू की पूरी दबी रह गई, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे जो मैं बाकी अपनी जी वैगन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भाई, ऐसी थोड़ी यार इतनी मजबूत गाड़ी ऐसी थोड़ी है भाई। बाकी एक काम करते हैं यहाँ से राइट लेते हैं एंड फटाफट से जो यहाँ से लेफ्ट लेती जो अपने माइकल का घर आ जाएगा। एंड गाइस मैं कह रहे थे यहाँ पे ना भाई लॉस सैंटोस के बंदों को चलाने का एक तो वैसे ही वो नहीं होता, ठीक है मतलब अक्ल नहीं होती, और ऊपर से भाई एक कहते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है लॉस सैंटोस में, तो आराम आराम से चलाओ भैया तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हम अपने माइकल के घर पे आ चुके हैं एंड जल्दी से जो है अपनी जी वैगन को आराम प्यारे तरीके से जो है मैं अंदर पार्क कर देने वाला हूँ, ठीक है यहाँ पे आराम से जो है मैं पार्क करूँगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। एंड अब गैराज में एक बार फाइनल लुक देखना चाहता हूँ भाई मैं, कितनी प्यारी आएगी कसम से। बाकी गैराज में मैं ले तो आया हूँ एंड अभी अंदर लेके जाते हैं गैराज में एंड यहाँ पे जो है प्यारे तरीके से खड़ी कर देते हैं गाड़ी को अंदर और खड़ी कर देते हैं। बस गाड़ी जो है मैंने बंद कर दी है एंड अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। एंड भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है भाई कसम से, देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड अभी एक काम करते हैं भाई माइकल भी जो है इतनी तगड़ी चोरी करने के बाद थक ही चुका होगा, तो एक काम करते हैं फटाफट से जाके सो जाते हैं, सुबह भी हो जाएगी एंड देन जो है एक प्यारी सी लुक देख के एपिसोड को जो है हम एंड कर देने वाले हैं। बाकी अभी फटाफट से जाके जो है ना मैं सो जाता हूँ, ठीक है एंड देन जो है सुबह होते ही अपनी जी वैगन को देखने जाएंगे दोबारा से एंड देन एंड करेंगे। भाई यहाँ पे जो है माइकल भी सो चुका है एंड भाई इसका सही है भाई, जूते पहन के सो जाओ सीधा बेड पे, अगर हम यहाँ पे जूते पहन के सो जाए भैया हमारी जैसी तैसी कर देंगे घर वाले। बाकी यहाँ पे जो है सुबह हो चुके मेरे हिसाब से एंड अपना माइकल भी उठ चुका है, फटाफट से जो है अपनी जी वैगन को देखने जाते हैं एंड लेट्स सी कि भाई कैसा रहता है। एंड भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ अगला एपिसोड जरूर से देखना यार, अगला एपिसोड जो है ना जरूर से देखना, बिल्कुल मिस मत करना भाई, बहुत तगड़ा एपिसोड होने वाला अगला। एंड अभी तक भाई रात नहीं मतलब सुबह नहीं हुई, मतलब ये अर्ली मॉर्निंग है मेरे हिसाब से, मतलब 3-4 बजे की, ठीक है 4 बज रहे होंगे कायदे से इसके हिसाब से, तो मतलब वेदर के हिसाब से तो मेरे को लगा 4 बज रहे होंगे। एंड भाई एकदम भाई वैसा वेदर नहीं हो रहा, मतलब बारिश वारिश आएगी लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी जो है मैं अपनी जीवन को भाई देख रहा हूँ कितनी प्यारी लग रही है भाई, कितनी प्यारी लग रही है भाई कसम से। बाकी यार आज का एपिसोड अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप न्यू हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए एंड मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।